वेलकम टू केमिस्ट्री प्लेनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोहलराच्स लॉ। ये एप्लीकेशंस जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू स्टेटमेंट ऑफ कोहलराच्स लॉ। मैं बोलूंगा इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें सबसे पहली एप्लीकेशन जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो मैं बताता हूं इसका ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो मोलर कंडक्टिविटी जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो हम सिंपल मेजरमेंट से डिटरमाइन नहीं कर सकते जिस तरह की स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स में होती है। सपोज ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसेंट्रेशन ग्राफ लेते हैं तो आपको इस तरह का ग्राफ मिल जाता है। ठीक है, यानी जब आप कंसेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। आपको एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन तक आप निकाल पाते हैं, उसके बाद में निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके इसको जीरो कंसेंट्रेशन तक ले जाते हैं और जीरो कंसेंट्रेशन पे हमें मोलर कंडक्टेंस मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसेंट्रेशन। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जो ग्राफ आपको मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है। इसको आप एक्स्ट्रापोलेट करके मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं निकाल सकते, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए जो कोहलराच्स लॉ है वो यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोहलराच्स लॉ की मदद से हम मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाल सकते हैं विदाउट गोइंग फॉर दिस इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं बाय कैलकुलेशंस। क्यों? कोहलराच्स लॉ ये कहता है कि मोलर कंडक्टेंस जो रहती है इलेक्ट्रोलाइट की, उसमें हर एक अयान का रोल रहता है और हर एक अयान की अपनी एक कंडक्टेंस रहती है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर आयन, यानी वो दूसरे आयन पर डिपेंड नहीं करता। हर एक आयन अपना एक कंट्रीब्यूशन देता, अपना एक कंडक्टेंस देता, उसकी अपनी एक कंडक्टेंस रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इलेक्ट्रोलाइट ले लूं ए बी, ये दो तरह के आयन बनाता है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो इस इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस होगा एट इनफाइनाइट डायल्यूशन वो बराबर होगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए पॉजिटिव एट इनफाइनाइट डायल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ बी नेगेटिव एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। और इसी चीज को हम यूज करेंगे टू डिटरमाइन दी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट विदाउट गोइंग फॉर दिस ग्राफ या विदाउट गोइंग फॉर द एक्सपेरिमेंट। अगर हमें वैल्यूज मालूम है कैटायन एनायन की तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो मोलर कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो निकाल सकते हैं। मैं बताता हूं आपको ये कैसे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COH, ये डिसोसिएट होता है, बनाता है एस्टेट आयन CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। लेकिन यहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रही है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स उन्हीं को हम कहते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, जो इक्विलिब्रियम में रहे। अब इसको अगर हमें कंप्लीटली डिसोसिएट करना हो तो हमें इसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट करना है। ठीक है, और जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल भी है अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली जीरो कंसेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस निकालना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो फिर हम इसको इस लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। हमें मालूम है कि ये जो लॉ कहता है, ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस होगी वो बराबर होगी मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो इन दोनों की कंडक्टेंस निकाल के हमें ये मिल जाएगा। अब इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली इजी है, मैं तो बताता हूं कैसे। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा एक इक्वेशन बनाता हूं, मैं कहता हूं कि सोडियम एसीटेट CH3CONa प्लस HCl मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3COH प्लस NaCl, है ना, यानी ये दोनों बाहर निकलेंगे NaCl और ये बनाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड प्लस NaCl। अब अगर मैं इसका मोलर कंडक्टेंस देखूं, इसका मोलर कंडक्टेंस प्लस इसका मोलर कंडक्टेंस वो बराबर होगा इसका मोलर कंडक्टेंस प्लस इसका मोलर कंडक्टेंस। क्यों? एज पर कोहलराच्स लॉ, क्योंकि इसमें भी एस्टेट आयन, सोडियम आयन, एच पॉजिटिव आयन, सीएल नेगेटिव आयन, इसमें भी यहां पे एस्टेट आयन, एच पॉजिटिव आयन, एनए पॉजिटिव आयन, सीएल नेगेटिव आयन, यानी जो आयन इसमें प्रेजेंट है वही आयन यहां पे भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इसकी कंडक्टेंस यानी इस तरफ की कंडक्टेंस और इसकी तरफ की कंडक्टेंस बराबर होगी, या मैं बोलूंगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl।
ये मैं फिलहाल एक कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको। तो इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ जो एसिटिक एसिड होगी वो बराबर होगा फिर मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसिटेट, यहीं पे रहने दो, प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl, और ये इधर ले जाओ तो यहां पे ये माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl माइनस करेंगे मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl। अब मैं बताऊंगा कि इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कोई भी एसिड या बेस मिल जाए। देखो जो भी एसिड बेस हो तो उसमें पहले देखना कि कैटायन और एनायन कौन है, जैसे इसमें ये एनायन है इसमें कैटायन, तो आपको क्या करना है पहले इस एनायन का कोई साल्ट लेना, एनायन का सपोज सोडियम साल्ट लेना, तो मैं लिखूंगा सोडियम एसिटेट, लिख दिया एनायन खत्म। अब रह गया एच, अब एच एच पॉजिटिव का कोई साल्ट टाइप या एसिड लेना, एसिड लेना सिंपली जो इजी रहेगा, तो इसका सबसे सिंपल एसिड बनेगा HCl, तो ये हो गया एच पॉजिटिव भी, ठीक है, तो इन दोनों को मिलाया तो ये बन गया। अब इसमें जो एक्स्ट्रा चीज है वो है एक Na और दूसरा Cl, ये दोनों जो है ना ये दोनों यहां पे कॉमन है, लेकिन ये दोनों नहीं है ना तो इसको माइनस कर देना, तो इसको कर दो माइनस तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब नेक्स्ट, अब यहां पे ये अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मुझे इसका मोलर कंडक्टेंस निकालना है बाय यूजिंग कोहलरॉस लॉ, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मोलर कंडक्टेंस जो है वो बराबर आएगा, इसका एक कॉमन आयन ले लो, इसका इसका सॉल्ट ले लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बदले में यहां पे लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड, यानी स्ट्रांग सॉल्ट लेना है, ठीक है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, प्लस इसका ले लो सॉल्ट या बेस, जो एसिड होगा तो इसका एसिड ले लो, बेस होगा तो बेस ले लो, ठीक है, अगर H पॉजिटिव होगा तो एसिड लेना है यहां पे स्ट्रांग एसिड, और अगर यहां पे OH है तो बेस बना दो, तो इसका बेस बन जाता है NaOH, वो ले लिया, ठीक है। अब ये दोनों तो यहां पे है अमोनियम और हाइड्रोक्साइड, लेकिन सोडियम और क्लोराइड इसमें नहीं है, तो ये इसका सॉल्ट जो है आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे अमोनियम आयन बनेगा, यहां पे क्लोराइड आयन बनेगा, यहां पे सोडियम आयन बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा, इनकी इन चार आयन्स की जो कंडक्टेंस है वो आप करेंगे ऐड, और उसमें से हमको सिर्फ दो आयन्स की कंडक्टेंस चाहिए, तो दो आयन ये और ये है, ये दो माइनस कर दो, ये हमने माइनस कर दिया, तो हमें मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल जाएगा बाय सिंपल कैलकुलेशन। इसी तरह से एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और है, उसे हम कहते हैं HCN, हमें निकालना है मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCN एट जीरो कंसेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब यहां पे जीरो भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये HCN है, HCN खुद तो डिसोसिएट नहीं होगा, लेकिन इसके आयन्स की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगी ये हम बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे हम मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCN, वो बराबर होगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ H और इसका एसिड HCl, ठीक है, यानी यहां पे H का मिल जाएगा यहां से। उसके बाद में CN का निकालना है, तो हम करेंगे मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCN, तो हमें CN का मिल जाएगा। उसके बाद में यहां पे H का मिल गया, CN का मिल गया, लेकिन दो कंडक्टेंस और आ गई, तो इसके बदले में हम करेंगे मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl माइनस, तो ये निकल गया NaCl बाहर, तो हमें मिल जाएगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ एच पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ CN नेगेटिव मिल जाएगा हमें, ठीक है, तो वही होगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCN एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सपोज हमारे पास में एक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, ये डिसोसिएट हो रहा है और ये बना रहा है ए पॉजिटिव बी नेगेटिव आयन्स, ठीक है, अब जितने आयन्स बनेंगे ना उतना ही मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, सपोज हमने एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस निकाला तो वहां पे जितने आयन्स होंगे जितना डिसोसिएशन हुआ होगा उतनी हमें उसी के हिसाब से कंडक्टेंस मिलेगी, लेकिन अगर हम वही मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालेंगे तो वहां पे आप
आपको कंडक्टेंस बहुत ज्यादा मिलेगी, जिसको हम कहेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि वहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। तो इसका मतलब जितना डिसोसिएशन उतना मोलर कंडक्टेंस, क्लियर। अब अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा निकालना हो तो हम ये निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हम ये कह सकते हैं अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ डिवाइड बाय टोटल अमाउंट कितना था। टोटल अमाउंट तभी डिसोसिएट होगा जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगी, यानी ये हमें तभी पता चलेगा कितना है जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगी। और अमाउंट डिसोसिएट कितना हुआ एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, वो डिपेंड करेगा मोलर कंडक्टेंस पे। सपोज हमने मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी लिया, डिवाइड बाय किया हमने मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो हमें इजीली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा, क्योंकि जितना डिसोसिएशन होगा उतना कंडक्टेंस, कंसंट्रेशन सी पे कम कंडक्टेंस मिलेगी यानी कम इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें कंडक्टेंस ज्यादा मिलेगा क्योंकि पूरे के पूरा सॉल्ट जो है वो डिसोसिएट हुआ है, क्लियर। और अगर मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बराबर हो गया, यानी दोनों बराबर हो गए, तो समझ लेना कि यहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन हुई है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा उस टाइम पे वो होगा 1, क्योंकि ये और ये बराबर होंगे, तो सपोज 10/10 वो बराबर 1 होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी 1, क्लियर। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका वो है सॉलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉलिबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉलिबल का मतलब रहता है जो इनसॉलिबल सॉल्ट्स रहते हैं या थोड़े बहुत सॉलिबल। ये स्पेरिंगली सॉलिबल हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में यूज करते हैं। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही देखेंगे ना, तो वहां पे हम इसको कहते हैं इनसॉलिबल, जो यानी इनसॉलिबल सॉल्ट, क्योंकि वहां पे हम क्वालिटेटिवली बात करते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में हम इसको कहते हैं स्पेरिंगली सॉलिबल। तो इसका मतलब अगर थोड़ा बहुत भी डिजॉल्व हुआ तो हुआ है, तो हमें देखना कि कितना सॉलिबल कितना नहीं है। तो इनमें सपोज AgCl, AgBr, ये AgI, सिल्वर क्रोमेट या बेरियम सल्फेट, लेड क्लोराइड, लेड सल्फेट वगैरह जो है वो ये ऐसे सॉल्ट्स हैं जो डिजॉल्व नहीं होते, जो सॉल्युबल नहीं होते। इनका हम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस जो बराबर रहता है वो बराबर रहता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर कंसंट्रेशन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में और ये हम सबको मालूम है, इसे हम मोलर कंसंट्रेशन कहेंगे। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब रहता है सॉलिबिलिटी, यानी जितना सॉलिबल होगा उतना ही यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन होगी। फॉर एग्जांपल AgCl जो है, AgCl वाटर में सॉलिबल नहीं है, ये स्पेरिंगली सॉलिबल है। इसकी कंसंट्रेशन वाटर में कितनी होगी? मैं बोलूंगा कॉन्स्टेंट या मैं बोलूंगा 1। जो सॉलिबल नहीं होता ना उसका कंसंट्रेशन हम 1 लेते हैं सपोज सॉलिड्स का, लेकिन जो इसमें से डिजॉल्व हो जाएगा, फॉर एग्जांपल Ag पॉजिटिव डिजॉल्व हो गया और Cl नेगेटिव डिजॉल्व हो गया, जितना डिजॉल्व होगा यानी जितनी उसकी सॉलिबिलिटी होगी उतना ही वो कंसंट्रेशन बनाएगा, ठीक है, उतना ही वो कंसंट्रेशन बनाएगा वाटर में। तो फिर इसका मतलब यहां पे हम मोलरिटी के बदले में एस भी लिख सकते, एस मीन सॉलिबिलिटी। और अगर मैंने यहां पे सॉलिबिलिटी लिख दिया तो ये बन जाएगा मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 डिवाइड बाय सॉलिबिलिटी। या अगर मैं सॉलिबिलिटी आपसे पूछूं फिर, तो सॉलिबिलिटी बराबर होगा, इसको इधर लेके आओ, इसको नीचे इधर लेके आओ, ये बन जाएगा सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो सिंपल हो गया सॉल्व मसला, यानी सॉलिबिलिटी निकल गई। कंडक्टेंस से हम सॉलिबिलिटी निकाल सकते हैं, जितनी सॉलिबिलिटी उतना कंडक्टेंस। उसके बाद में और एक चीज जो है वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्ट। ये बात याद रखना, किसी भी सॉल्ट का अगर आप सॉल्यूशन में देखेंगे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना है, तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए सबसे पहले सॉल्ट का स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो हमें देखनी हो, जो एक्चुअल कंडक्टेंस है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो बराबर होगी सॉल्यूशन यानी सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्वेंट की कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। माइनस करना पड़ेगा हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ वाटर, यानी सॉल्यूशन में से जब वाटर का स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालेंगे तो हमें सॉल्ट का स्पेसिफिक कंडक्टेंस मिल जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये याद रखना, ठीक है।
ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये भी याद रखना। और इससे पहले जो इक्वेशंस मैंने बताई वो याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में भी और एंट्रेंस में भी, जो एंट्रेंस एग्जाम्स रहते हैं तो वहां पे इन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा लेक्चर, तो इसको दोस्तों के साथ में भी शेयर करना ना भूलना।